गुड इवनिंग फ्रेंड, इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं वो 2 BHK प्लान है। और ये जो 2 BHK प्लान है ये इस्टोनिया होम्स जो डेराबसी है, जिसके वीडियो सैंपल फ्लैट्स के थ्रू मैं आपके साथ में शेयर कर चुका था और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो जो 2 BHK इंडिपेंडेंट फ्लोर है उसका जो सुपर एरिया है वो 900 स्क्वायर फीट का है। और यहाँ जो आप देख पा रहे हैं एंट्री इस तरीके से, इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट से एंट्री करते हैं। दूसरी साइड अपोजिट साइड होगी तो वहाँ पर वो बिल्कुल इस गेट के सामने दूसरा गेट होगा दूसरे फ्लोर के लिए। और ये G+2 प्लान है, तो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर है। वो 3 जो है वहाँ पर इंडिपेंडेंट फ्लोर्स जो है वो अवेलेबल है। तो प्लान क्या है, प्लान ये है कि इस साइड में जो इस कॉर्नर में किचन अवेलेबल है उसका डायमेंशन ये दिया हुआ है इस साइड में, और उसी के सामने आपका ये जो डाइनिंग एरिया है। यहाँ से एक्चुअली बेटर होगा कि जब आप एंट्री करते हैं तो लेफ्ट साइड में आपका ये ड्राइंग और लिविंग रूम आप इसको बोल सकते हैं, ये 15x2x10x0.6 ये फीट का है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि काफ़ी स्पेसियस जो है आपका ड्राइंग रूम अवेलेबल है। और यहाँ जो कर्टेन है ये बड़ी विंडो है तो ये ओपन होती है सामने फ्रंट साइड में। तो ये जो पोर्शन है जो इसका हाफ पार्ट है वो आपका डाइनिंग किचन एंड आपका लिविंग रूम ड्राइंग रूम आप समझ सकते हैं उस वे में है। एक ये जो टॉयलेट आप इस साइड में देख रहे हैं ये टॉयलेट जो है अटैच है, जहां एंट्री है उस तरीके से, ये ड्राइंग रूम के साथ भी और इस बेडरूम के साथ भी। तो ये जो बेडरूम है एक्चुअली यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये 12.9x10.6 स्क्वायर फीट का है ये बेडरूम। और इस साइड में जो है ये कपबोर्ड लगा हुआ है और यहाँ विंडो और ये आपका जो गेट है बाहर कोर्टयार्ड के लिए, राइट। तो जो वॉशिंग एरिया अवेलेबल है वो इस साइड में आप देख सकते हैं कि इतना एरिया ओपन है। और यहाँ जो डायमेंशन है उसको भी आप देख सकते हैं कि 5 फीट के आसपास बैक साइड में छोड़ा हुआ है, राइट। तो ये हुआ आपका फर्स्ट जो बेडरूम है उसका प्लान। और इधर आप ये जो देख रहे हैं ये मास्टर बेडरूम है और ये एरिया का बोर्ड का, और इधर इसके साथ में जो अटैच वॉशरूम है उसका जो डायमेंशन है वो 5x6.5 का है, राइट। तो इस तरीके से जो ये 2 BHK प्लान है, और ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ 900 स्क्वायर फीट का है। तो आप यहाँ से एस्टिमेट निकाल सकते हैं कि इसकी विड्थ कितनी होगी और इसका लेंथ कितना होगा, राइट, बाय दिस पे। तो ये तो रहा आप 2 BHK जो इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं इस्टोनिया होम्स का उसका प्लान। सेकेंड वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा जो फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर का प्लान है। ये फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर का प्लान है। तो इस प्लान में आप देख पा रहे हैं कि किचन है जी टीज उसी तरीके से उसी पोजीशन पर रखा हुआ है, डाइनिंग आपका जो एरिया है एंड ड्राइंग। और ड्राइंग रूम में क्या हुआ है कि यहाँ पर अब जो है एक गेट अवेलेबल है वो फ्रंट बालकनी के लिए। तो ये फ्रंट बालकनी का जो स्पेस है ये अवेलेबल है काफ़ी, आप यहाँ जो है आराम से ये दो चेयर और ये टेबल वगैरह रखा जा सकता है एक साइड में। और ये काफ़ी फुल लेंथ में जो है बालकनी अवेलेबल है। और इस साइड में ये जो प्लान है ये का बोर्ड उसी टाइप से बेडरूम मास्टर बेडरूम 12.9x11.0 इस डायमेंशन का ये मास्टर बेडरूम, उसके साथ में ये टॉयलेट अटैच। और यहाँ अब इस जो बेडरूम है ये ऑलरेडी जैसे ग्राउंड फ्लोर के लिए प्लान था सेम उसी टाइप से है, लेकिन बालकनी अवेलेबल है। और बालकनी के साथ साथ में आप इस साइड में जो देख पा रहे हैं ये वॉशिंग एरिया अवेलेबल है। तो आप वॉशिंग मशीन और जो भी आपका कपड़ों से रिलेटेड है तो वो आप इस साइड में उसको यूज कर सकते हैं। और ये रहा आपका 2 BHK प्लान फॉर दी फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर। तो ये जो प्लान था एक्चुअली इस प्लान को डिस्कस करने का ये था कि पहले जो वीडियो आप देख पा रहे थे उस वीडियो के अंदर जो सैंपल फ्लैट जो आपके एक्चुअल फ्लैट हैं उनको मैं शो कर चुका हूँ। तो एक जो डायमेंशन से रिलेटेड आइडिया है वो आपको क्लियर हो जाए।
तो यहाँ पर एंट्री उसी वे में है, ये फर्स्ट फ्लोर की थी, फिर सेकंड फ्लोर के लिए आपको स्टेयर जाना होगा और फिर उसी तरीके से सेकंड फ्लोर में ये है कि रूप जो है उसके राइट जो है वो सेकंड फ्लोर के जो ओनर हैं उसका होगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो इनका एड्रेस है और जो मोबाइल नंबर है वो प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं और सारा डिटेल आप ले सकते हैं क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। और अभी एक वीडियो के अंदर मैं ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूंगा, आई होप कि वो इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। अगर ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो वीडियो है, ये आप फुल लेंथ में देख पाए हैं और यहाँ तक पहुँच पाए हैं तो थैंक यू सो मच। और आई एक्सपेक्ट कि भाई आप अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको इंफॉर्मेशन मिली है, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दीजिए, और आपके नोन या कोई इस तरीके से तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इंटरेस्ट, सो कीप इन टच।